अस्सलाम वालेकुम क्लास 5, दिस इज लेक्चर नंबर 12 ऑफ इंग्लिश बी FOG। तो आज हमने करनी है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस। इसमें क्या है, देर आर मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत से वर्ड्स हैं जो कि किसी भी क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज़ होते हैं, उसको हम क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। जैसे व्हाट, हु, विच, हूज, व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे क्या हैं, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, इसकी जो है एक्सप्लेन करती हूँ। व्हाट कैन वी यूज़ व्हाट टू आस्क अबाउट थिंग्स, एक्शंस, प्रोफेशंस एट्सेट्रा। हम कभी किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं या किसी एक्शन के बारे में पूछते हैं या प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं, जैसे डॉक्टर या जो भी टीचर, तो उसके हम व्हाट यूज़ करते हैं। हु किस लिए करते हैं, वी यूज़ हु टू आस्क अबाउट पीपल, हम हु पीपल को पूछ पीपल के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं। विच, वी यूज़ विच टू आस्क अबाउट थिंग्स और पीपल, विच हम लोगों और थिंग्स के बारे में, चीज़ों के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, वी यूज़ हूज टू आस्क अबाउट पोजेशंस, हूज हम किसी चीज़ की मलकियत के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद है वी यूज़ व्हेन टू आस्क अबाउट टाइम, व्हेन हम टाइम के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं। वी यूज़ वेयर टू आस्क अबाउट अ पर्सन, प्लेस और थिंग, वेयर हम पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में पूछने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वी यूज़ वाई टू आस्क अबाउट रीज़न और पर्पस, हम वाई रीज़न वजह या पर्पस के पूछने के लिए उसके इस्तेमाल करते हैं। हाउ एंड वेयर, वी यूज़ हाउ एंड वेयर टू आस्क अबाउट इंफॉर्मेशन। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन और आस्क अबाउट हेल्थ और जो है इसके बारे में पूछने के लिए हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने इन वर्ड्स को यूज़ करके हमने गैप्स को फिल करना है, ब्लैंक्स को। ओके, आवर वर्ड कैन बी यूज्ड मोर देन वंस इफ़ रिक्वायर्ड। वो कहते हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा दफ़ा भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अगर रिक्वायर्ड हो। विच कलर डैश कलर इज़ योर कैप, अब यहाँ पे कलर के बारे में पूछ रहे हैं कैप के, तो क्या होगा, विच कलर या व्हाट कलर भी हो सकता है। ठीक है, अब आपने इसके खुद फिल करना है, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन दूंगी, उसके साथ आप मैच कर सकते हैं। डैश यू, डू यू गो टू स्कूल, डैश टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश। ठीक है, वर यू बॉर्न, इसका भी आप करें खुद से। डैश कलर डू यू लाइक द बेस्ट, ठीक है, कौन सा कलर, विच कलर। डैश इज़ योर बैग, इसको फिल करें खुद से। डैश बुक डू यू वॉन्ट, क्या आएगा यहाँ पे, विच बुक। डैश बुक इज़ ऑन द टेबल, आपकी किसकी किताब है, अब ये पोजेशन के बारे में है तो क्या होगा, हूज बुक। डैश गेव यू दिस न्यूज़, क्या आना चाहिए, किसने आपको खबर दी, हु। डैश विल यू गो होम, अब क्या है, कब आप घर जाएंगे, व्हेन। ओल्ड आर यू, तो क्या होगा, हाउ। डैश इज़ योर फेवरेट कोला, कौन सी है आपकी फेवरेट कोला, विच। डैश डज योर अंकल लिव, तो कहाँ पे आपके अंकल रहते हैं, वेयर आएगा, यस। डैश आर यू गोइंग अर्ली, तो क्या होगा, वेयर आर यू गोइंग अर्ली, कि आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू गोइंग अर्ली। डैश वुड यू लाइक टू ईट, तो क्या होगा, व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। डैश आर यू, हाउ आर यू। डैश डैश इज़ योर ब्रदर्स कमिंग टू पाकिस्तान, तो क्या होगा, व्हेन इज़ योर ब्रदर कमिंग टू पाकिस्तान, कि कब आ रहा है आपका भाई पाकिस्तान। व्हाट जो है डज नॉट रेफर टू पर्सन बट टू हिज प्रोफेशन, व्हाट हम प्रोफेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर्सन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, या एम्प्लॉयमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे है एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हाट इज़ योर फादर, अब आप इसके प्रोफेशन के, फादर के प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा, ही इज़ अ डॉक्टर। व्हाट इज़ योर फादर, आंसर है ही इज़ अ डॉक्टर, ये प्रोफेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, क्लास 5, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर नंबर 12, इंग्लिश बी FOG।
बच्चों आज हमने करना है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था इसकी डिटेल, अब हम ये देखते हैं, इसको फिल करते हैं। नंबर वन इज विच कलर इज योर कैप, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, हु टीच यू इंग्लिश, वेयर वर यू बॉर्न, विच कलर डू यू लाइक बेस्ट, विच इज योर बैग, विच बुक डू यू वॉन्ट, हुज बुक इज ऑन द टेबल, हु गेव यू दिस न्यूज, व्हेन विल यू गो होम, हाउ ओल्ड आर यू, विच इज योर favorite cola, where does your uncle live, where are you going early, what would you like to eat, how are you, when is your brother coming to Pakistan, ठीक है, okay, अल्लाह हाफिज़।